करीब 65 गांव में फसल खराब हुई है, जिसे लेकर सीएम राजे को रिपोर्ट भेजी गई है और 40% फसल के खराब होने की बात कही गई है। डूंगरगढ़ के मुख्य बाजार में रोड पर घायल पड़े सांड का गौसेवा समिति ने इलाज कराया। आगरा भट्टा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे नदी किनारे पानी पीने के कुएं में गंदगी पड़ी रहती है। कुएं के पानी की सप्लाई गांव में हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जलदाय विभाग कुएं की सफाई का काम नहीं करा रहा। टोंक से गहलोत नानेर जा रही रोड की हालत खस्ता है, 10 किलोमीटर के रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे हैं। टोडा रायसिंह मालपुरा पीपलू तहसील के 100 से ज्यादा गांव के लोग रोड खराब होने से प्रभावित हो रहे हैं, इसे लेकर सरपंच ने सीएम के नाम पत्र लिखा है। मांगरोल में पीसीसी के पूर्व सचिव दिनेश यादव ने संवाद यात्रा निकाली और गांव में लोगों की समस्याओं को सुना। नीमका थाना में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान जेसीबी की मदद से पक्के अतिक्रमण को भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पीपलू के झिराना से नानेर के बीच डामर रोड नहीं है, इसका 5 साल से इंतजार किया जा रहा है। बावड़ी जलादेवी माता बीसपुर बांध के लिए ये रास्ता जाता है और मामले को लेकर झिराना सरपंच ने सार्वजनिक निर्माण को पत्र लिखा है। उदेशिया में ग्रामीणों ने मिलकर शराब बंदी का फैसला लिया है। वहीं फैसले को लेकर गांव के लोगों ने एसडीएम को पत्र लिखा है और आबकारी विभाग से भी अवैध शराब पर रोक की मांग की है। खेराई गांव में दर्जनों वृद्ध आदिवासी महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। जोरावर नगर में मानव सेवा संस्थान की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत शपथ और संकल्प समारोह हुआ। सहज रासर में विकास मंच की बैठक हुई, इसमें सार्वजनिक स्थलों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने पर चर्चा की गई। वही आवारा पशुओं के चारे के लिए 11,000 रुपए मंच ने दान से जमा किए। यावड़ी के राहुल गजवानिया को युवा कांग्रेस लोकसभा सचिव बनाया गया, युवा टीम ने स्वागत किया। गामड़ी देवकी गांव से डोली जाने वाले रोड की हालत खस्ता है, इसे दुरुस्तीकरण की मांग की जा रही है। पाटली गांव के हनुमान मंदिर में 1 लाख रुपए पर चोरों ने हाथ साफ किया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। छिपा मदौड़ में मौसम में बदलाव के चलते अफीम की फसल को नुकसान हुआ है, इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पाटन के मीणा की नांगल गांव के लोगों ने अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के धरना देने के बाद एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बरोठी में एक दुकान पर दबिश दी और अवैध शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ा। सवाईमाधोपुर के बोली उपखंड में उपभोक्ताओं से बिजली विभाग वसूली कर रहा है। करीब 2,57,000 रुपए वसूले गए। वहीं कई जगह पर बिजली कनेक्शन काटकर ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। आउआ गांव में जैन संत आचार्य अरविंद सागर सुरेश्वर महाराज का जैन समाज के लोगों ने स्वागत किया। चक 257 आरडी में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई, किसानों की कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। 8 मार्च को उपखंड कार्यालय की घेराव का बैठक में ऐलान किया गया। हलारा के नेवाड़ा में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है और आम रास्तों पर नालियों का पानी बह रहा है। पीने के पानी की किल्लत से भी लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, पंचायत में चिकित्सा सुविधाएं भी ना के बराबर हैं। मगरीवाड़ा के पास पेट्रोल पंप पर हुई डकैती के आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस रिमांड में आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए। बिछीवाड़ा में काली कल्याण धाम पर 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन में ग्राम सेवक संघ उपशाखा मारवाड़ के ग्राम सेवकों ने संवर्ग सुरक्षा सत्याग्रह के तहत उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कामा तहसील के जुरहार के रास्ते पर गंदगी होने से मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, वहीं क्लीन भरतपुर और स्वच्छता मिशन का कोई असर नहीं दिख रहा है।
मलारना डूंगर थाना पुलिस ने रामड़ी गांव में 5 जुआरियों को पकड़ा है। कराड़ा गांव में कराड़िया हनुमान मंदिर शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भूमि पूजन किया गया। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात वृद्ध का शव मिला है, जीआरपी मामले की जांच कर रही है। रूपवास में स्वच्छता मिशन का असर नजर नहीं आ रहा, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे। पीपलू के रानोली में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग को लेकर सरपंच बाबूलाल मीणा ने शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा है। सबरानिया राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय के सामुदायिक राजकीय चिकित्सालय में क्रमोन्नोत्तर होने पर विधायक ललित मीणा का आभार जताया है। सीकर के मोहल्ला व्यापारियों के पास एक युवक को बुर्का पहनकर घूमते लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बुर्का पहनकर आया। पावड़ी की राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में अतिक्रमण को उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में हटाकर स्कूल के सुपुर्द कर दिया गया। इंडोली हाईवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद शवों की शिनाख्त की गई और शव को परिजनों के हवाले किया गया। कानपुर में राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत समिति विकास अधिकारी शैलेश रंजन को ज्ञापन दिया। रायला में चौथ मातेश्वरी मंदिर प्रांगण में होली फागुन महोत्सव मनाया गया। जम्मू में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पुलिस थाने में रखवाए गए। पदमपुर में खेत में पानी विवाद को लेकर किसान से मारपीट का मामला सामने आया है, सरपंच समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। नगर तहसील के फतेहपुर कला के ग्रामीण पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पंचायत प्रशासन की तरफ से समस्याओं की अनदेखी हो रही है। कंधा और सिमलवाड़ा राजकीय माध्यमिक स्कूल में टीहरी विभाग की तरफ से खेल मैदान विकसित किए जाएंगे, इसके लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। तिवरी के जेलू राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सिंडिकेट एम सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से फर्नीचर भेंट किया गया। इंडोली की सुखपुरा निवासी अरुणिमा ने जहर खाकर जान दे दी, मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। चौमेला तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर मल्हारगंज में विधिक साक्षरता शिविर लगा। शाहपुरा के बनेड़ा में सैफ अली खान की फिल्म की शूटिंग की जा रही है, इसे देखने के लिए गांव के लोग पहुंच रहे हैं। चौमू में नेशनल हाईवे नंबर 52 पर भोजलावा कट के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घसिकपुर में फिल्टर प्लांट के काम में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने से लोगों में नाराजगी है। 5 लाख के बजट की राशि खर्च होने के बाद भी पुरानी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। चिवांडा में बालाजी मेला अस्वारी स्थल का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर सरपंच मोहन आचार्य समेत ग्रामीण मौजूद रहे। सवाई माधोपुर दौसा रोड पर 2 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, इसमें बाइक सवार 5 लोग घायल हो गए। बालेश्वर और आगुलाई पुलिस चौकी के सीएलजी सदस्यों की बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुझाव मांगे गए। सिंडौली के नेगढ़ में ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर दीपा कंवर ने जीत हासिल की। विद्युत विभाग पिड़ावा में कार्यरत तकनीकी सहायक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, पुलिस थाने में विभाग ने मामला दर्ज कर पाया। रायला में अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर बालापुरा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। जम्मू के ओली दरवाजा स्थित डिफेंस एकेडमी में प्रतिभा और सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्रीकरणपुर में गेहूं की सरकारी खरीद की प्रस्तावित ऑनलाइन प्रक्रिया और किसानों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। लूणकरणसर में ग्राम सेवक यूनियन ने वेतन विसंगतियों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सगरिया में सालीवाला गांव के पास ट्रॉली पलटने से दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनका हालचाल जानने के लिए पूर्व उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा पहुंची। बांसवाड़ा के माही विभाग में लापरवाही से किसान परेशान है, 3 गांव में किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा।
दरअसल नगर की सफाई न होने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा और अब किसान अपने स्तर पर सफाई के काम में जुट गए हैं। आबू रोड में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के तहत पोषण मेला लगा और गर्भवती महिलाओं को जरूरी जानकारी दी गई। संगरिया के नुकेरा गांव में ओम प्रकाश नायक के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बडलिया में चलती एम्बुलेंस का टायर फट गया, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पीपलू क्षेत्र के संदीड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा रहता है, जिससे ग्रामीणों को शहरों का रुख करना पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM का पद खाली है, इसको लेकर चिकित्सा मंत्री को खत लिखा गया है। बाड़मेर में हरीश हत्याकांड मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली है, स्पेशल टीम ने मुख्य आरोपी की मांग समेत तीन लोगों को पकड़ा है। बलार में लाखों रुपए की लागत से बना पटवार भवन पंचायत के अनदेखी के चलते जर्जर होने की कगार पर है। मंदिरपुर क्षेत्र के पीपला कला में रोड की हालत खस्ता है, 2 महीने से रोड निर्माण भी रुका हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। धोरीमन्ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बने नवनिर्मित भवन में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। शाहपुरा में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के फूल डोल महोत्सव में 4वें दिन की थाल निकाली गई, इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दिल्लीबंगा थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली से नाराज शिवसेना ने पुलिस थाने के सामने धरना दिया। चांदाखेड़ी गांव में अज्ञात बीमारी के चलते पिछले 5 दिन में 20 पशुओं की मौत हो चुकी है। चौमूचंदवाजी रोड पर मोरिजा इलाके में एक मकान के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की। जोधपुर के शेरगढ़ थाना पुलिस ने बैटरी चोरी करने के मामले में 4 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 3 की पुलिस रिमांड ली गई। कलेक्टर शिवांगी स्वर्णकार की पहल पर बूंदी रेडक्रॉस परिसर में अर्पण का गलियारा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। झालावाड़ के आदर्श ग्राम पंचायत रटलाई में प्रधानमंत्री आवास से वंचित पात्र लोगों के चयन को लेकर 2 दिवसीय शिविर लगाया गया। बेगू में नए बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं का आलम है, नगर पालिका को बार बार चेताने के बावजूद पालिका के अधिकारी बस स्टैंड की सुध नहीं ले रहे। फतेहगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सालय भवन खस्ताहाल है, इसे कई सालों से मरम्मत का इंतजार है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। धौलपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जिला मुख्यालय पर पोषण मेला लगा और महिलाओं ने सर्किट हाउस से जगदीश चौराहे तक रैली निकाली। माता जी की भाखरी भियान में शीतला माता मंदिर में जागरण का आयोजन हुआ, इसमें विधायक SDM और थाना अधिकारी मौजूद रहे। टिब्बी के गांव कुलचंद्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता के लिए राजस्थानी साहित्यकार मारवाड़ ने अनशन की तैयारी शुरू कर दी है। कोपड़ा गांव में अज्ञात वाहन चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को चुरा ले गए। श्री गांधी उच्च माध्यमिक स्कूल गुलाबपुरा में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, इसमें नगर पालिका चेयरमैन धनराज गुर्जर ने स्कूल के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। फणियाना उपखंड के खेतासर गांव में 1 महीने से पेयजल सप्लाई बंद है। जेल और पशु कुंड सूखे पड़े हैं, ग्रामीण महंगे दाम पर पानी खरीदने को मजबूर है। चित्तौड़गढ़ के कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर गाय को बचाने की कोशिश में ऑटो और जीप के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। मावली में ग्राम सेवक संघ के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। राजाखेड़ा में नगर पालिका की ओर से विशाल चौथ कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। कलिंजरा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के ढाबों पर कार्रवाई जारी है, वहीं 300 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। केसरी सिंहपुरा में लगातार गौरव पथ निर्माण में व्यवस्थाओं के खिलाफ धानक समाज के लोगों ने जाम लगाकर विरोध जताया। समाज के लोगों ने कहा कि PWD अधिकारी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे। खेजरौली की चौमू रोड पर स्थित राजधानी स्कूल में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम धमाल 2018 का आयोजन किया गया। सांगोद में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से परियोजना कार्यालय में मेले का आयोजन किया गया। मेले में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई और गर्भवती महिलाओं को गोद भराई कराई। भीखोडाई कस्बे में मोहनी देवी को सरकार ने मुख्यमंत्री आवास दे दिया, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद दूसरी किश्त नहीं मिलने से वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। गंगरार में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के आह्वान पर ग्राम सेवकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
18 मार्च को पोखरण में आरएसएस का विराट पथ संचलन होने वाला है, इसे लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। पलसुंद में आरएसएस कार्यकर्ता जागृत हिंदू महासंगम को लेकर गांव गांव ढाणी ढाणी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बहेड़ा में आयोजित बाल पोषण मेले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का अतिथियों ने अवलोकन किया। ग्राम पंचायत लखेर में सरपंच पद के लिए मतदान हुआ, इसमें कविता मीणा ने प्रतिद्वंदी को 217 वोटों से हराकर चुनाव जीत लिया। सांगोद में ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति कार्यालय में धरना देकर अपनी 11 सूत्री मांगों की अनदेखी का विरोध किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। दादोली गांव के रेबारियों की ढाणी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8वीं के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। धौलपुर में ब्राह्मण युवा संगठन ने परशुराम मंदिर प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। मोलाहेड़ा गांव के पास परिवहन विभाग के बने सीजर यार्ड से डंपर चोरी हो गया, पनियाला पुलिस ने 4 घंटे के भीतर चोर को गिरफ्तार किया। इटावा में नालियों से होकर गुजर रही जलदाय विभाग की पाइप जगह जगह से टूटी होने की वजह से दूषित पानी घरों में सप्लाई किया जा रहा है। टीपी के आदर्श ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल परिसर में सीनियर्स को तिलक लगाकर विदाई दी गई। मोहनगढ़ के महादेव मंदिर में पानी की डिग्गियां हादसों का न्योता दे रही है, यहां पर शिकायत के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। देवलिया गांव में करना माता मंदिर में पारंपरिक मेले में मंदिर शिखर ध्वजारोहण हुआ, इसमें विधायक गौतम लाल मीणा ने शिरकत की। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जगदीश जांगड़ ने लालगढ़ जाटान में ग्रामीणों से संपर्क करके ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। पनियाला थाना पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 525 कार्टून से भरा ट्रक जब्त किया। रामगंज मंडी में मंगलम इंटक मजदूर संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस नेता भी यहां पर मौजूद रहे। कपासन में राजस्थान ग्राम सेवक संघ की स्थानीय उप शाखा ने 11 सूत्री मांगों पर सरकार के साथ लिखित समझौते को लागू करने की मांग की। लालगढ़ जाटान में बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज खाटीवाल ने मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। सुल्तानपुर के झोटोली में नहरी पानी न पहुंचने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों ने जाम लगाया। वहीं इस मामले को लेकर तहसीलदार और थाना प्रभारी समेत सीएजी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, माइनर को बंद करवाकर टेल क्षेत्र तक पहुंचाया गया। नोक में पन्ना रोड पर बारिश के दौरान गड्ढे हो गए जो कि आज तक मरम्मत के लिए इंतजार में है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जगदीश जांगड़ ने सादुल शहर में प्रेस वार्ता की। अमर पंचायत समिति के अधीन कार्यरत ग्राम सेवक संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सीएम और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। एकलिंगपुरा झामर कोटड़ा मार्ग का निर्माण कार्य धीरे होने के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घटसाना में सखी रोड पर गंदे पानी की निकासी न होने से दुकानों के आगे गंदा पानी भरा है। घटसाना में किसानों ने गेहूं और सरसों की खरीद को पंजाब और हरियाणा की तरह कराने को लेकर व्यापार मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। भरतपुर के कामा में ग्राम पंचायत गढ़ाजान में चुनाव में संसदीय सचिव जाहिदा खान की बेटी शहनाज खान ने बाजी मार ली। विजयी प्रत्याशी शहनाज खान को 1192 मत मिले जबकि प्रतिद्वंदी इशाक खान को 997 मत हासिल हुए। खेतड़ी में लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया, घटना श्यामपुरा के खोल की ढाणी की है। वारदात से दुखी लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। छबड़ा थाना पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय डोडा चूरा तस्करों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में बेकाबू कंटेनर ने ट्रक को टक्कर मार दी, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ की कनोरा के घर के बाहर फायरिंग होगी जहां कमलेश पाटीदार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने दहशत फैलाने वालों 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर में पदमपुर गदसिंहपुर मार्ग पर हादसा हो गया जहां ट्रैक्टर और कार में टक्कर हो गई, हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए, वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर सवार मौके से फरार हो गया। आसपुर में एक ज्वेलर की दुकान में चोरों ने दुकान में सेंध मार कर चोरी की कोशिश की, सूचना पर सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना करके मामला दर्ज किया।
12वें मार्च महीने की शुरुआत से ही कृषि उपज मंडी में सरसों की बंपर आवक शुरू हो गई। सीजन में पहली बार 20,000 बोरी सरसों की आवक शुरू होने से किसानों के साथ साथ मंडी व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी है। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।